हाय एवरीवन, सबसे पहले तो आप सबों का स्वागत है। और आज का ये लीडरशिप मैराथन जो है वो 7 बजे से शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो मैं इसके लिए आप से माफी मांगना चाहूंगा कि आज थोड़ा सा टाइम हम लोगों ने बदला है। सबसे पहले तो आप सबों का स्वागत है और आज का ये लीडरशिप, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। और आप सबों का स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कि इस लीडरशिप मैराथन में। और सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से आज के सेशन का लिंक और भी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक पे, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर करते चलिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग इस सेशन की शुरुआत करने वाले। सो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आज पहली बार यहां पर कनेक्ट हुए, राइट डाउन ड्यू। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे लाइव सेशन से कनेक्ट हो रहे हैं, राइट डाउन ड्यू, न्यू लिखिए। और अगर आप पहले भी कनेक्ट हो चुके हैं, पहले भी हमारे लीडरशिप मैराथन से जुड़ चुके हैं, तो राइट डाउन यस। Yes or no, दो आपके पास ऑप्शन है, तो जल्दी से शेयर भी करते चलिए और ये कमेंट करते चलिए कि आप में से कितने लोग नए हैं जो आज पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं हमारे आज के इस लाइव सेशन से। और अगर आप पहले से कनेक्ट हो चुके हैं, राइट डाउन यस। यस, मैं देख सकता हूं बहुत सारे लोग यहां पे ऐसे हैं जो यस वाले हैं। यस यस यस, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। यस, आज थोड़ी सी जल्दी हम लोग ने सेशन को शुरू किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। यस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यस वाले हैं। हाँ, न्यू भी कुछ लोग हैं जो नए हैं। कहाँ कहाँ से आप बिलोंग करते हैं थोड़ा सा जल्दी से बताइए। और आज का ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो लीडरशिप मैराथन में हम लोग लीडरशिप लेसन सीखेंगे, जो भी सक्सेस लेसन सीखेंगे वो सीखेंगे हम लोग मेजर मोहम्मद अली शाह की जिंदगी से। तो क्या है ये पूरी एपिसोड, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो आज का ये एपिसोड काफी अहम होने वाला है, क्योंकि एक रियल लाइफ से सीखने का मजा ही कुछ और है। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी होने वाली है और आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कहाँ कहाँ से, ओके, नेपाल से लोग जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, उत्तर प्रदेश से आ गए हैं, गोपालगंज से आ गए हैं, मधेपुरा से लोग कनेक्ट हो चुके हैं, गिरिडीह से लोग आ चुके हैं, गोरखपुर से लोग कनेक्ट हो चुके हैं, दैट्स ग्रेट। हिमाचल प्रदेश से लोग आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इलाहाबाद से लोग कनेक्ट हो चुके हैं, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। झारखंड से लोग आ गए, मध्य प्रदेश से लोग आ गए, आजमगढ़ से लोग आ चुके हैं, राजस्थान से लोग कनेक्ट हो चुके हैं, बिहार से लोग आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसे शेयर भी करते चलिए। और बाकी आज के सेशन को हम लोग शुरू करने वाले हैं। 1 से 2 मिनट के अंदर मैं आज का सेशन शुरू करने वाला हूं। आपसे सिर्फ एक बार और ये कह रहा हूं कि जितने लोग अगर शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, इसे शेयर करते चलिए। और ओके, यस, महोबा यूपी में कोई ये जगह है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस्ती से लोग हैं, नागपुर यानी महाराष्ट्र से लोग हैं, महाराष्ट्र में शायद लॉकडाउन की सिचुएशन फिर से आ गई है। ओके, यस, नागपुर, हरियाणा से लोग कनेक्ट हो चुके हैं, महाराष्ट्र से लोग हैं, दरभंगा से लोग हैं, दैट्स ग्रेट, कोलकाता से लोग हैं। मैं काफी दिनों के बाद आज लाइव सेशन कर रहा हूं, क्योंकि मैं था नहीं यहाँ पे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब भी मैं रहूंगा लाइव सेशन होगी, लेकिन अभी पूरी ट्रेनिंग मैं, मुझे लगता है पूरी सप्ताह, मैं 4 तारीख से जो निकला था लगभग 4-5 के बाद, उसके बाद से मैं अभी आया हूँ, तो मुझे लगता है कि 8-10 दिन पूरे मैं बिजी था और सेशंस लेने में बिजी था इधर उधर। वाराणसी से लोग हैं, पुणे से लोग हैं, दैट्स ग्रेट, इलाहाबाद से लोग हैं। ओके, सो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। कितने लोग तैयार है, एक्साइटेड है, राइट डाउन यस। अगर आप एक्साइटेड है आज के सेशन में अंत तक बने रहेंगे और आज सीखने के लिए तैयार है, आज एक रियल लाइफ के हीरो से सीखने के लिए तैयार है, राइट डाउन यस, जल्दी जल्दी यस टाइप करते चलिए। अगर आज आप वाकई एक्साइटेड है, अंत तक रुकेंगे इस सेशन के और आज इस सेशन से कुछ लेके जाना चाहते हैं, कुछ लर्निंग्स, ऐसी लर्निंग्स जो जिंदगी भर आपके साथ चले। और आज का ये जो लीडरशिप मैराथन का सेशन है, दैट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम जो कुछ भी सीखने वाले हैं वो मेजर मोहम्मद अली शाह जी की जिंदगी से सीखने वाले हैं। तो दैट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। यस, मैं देख सकता हूं बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्साइटेड हैं, दैट्स ग्रेट। मुझे पता है कि अभी रात में बहुत सारे लोग देखेंगे, 9:30 बजे से हम लोग सेशन किया करते थे, लेकिन अब सेशन की टाइमिंग थोड़ी सी बदल सकती है, या तो 7 या तो 7:30 या फिर 8 बजे हो सकती है। तो इट मे बी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइव ना देख पाए लेकिन बाद में देखें। तो एनीवे, तो आइए सबसे पहले तो आज की इस सेशन को जो मैं शुरू कर रहा हूं, तो आज की ये सेशन चूंकि पूरी इनकी जिंदगी से है, तो सबसे पहले एक इनकी वीडियो जो इनकी कहानी को बयां करती है और इन्होंने ही अपनी कहानी के बारे में बताया है जोश टॉक पे, तो उस वीडियो को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। राइट, वीडियो कहां पे अंकित, वीडियो वीडियो अंकित। राइट, सो थोड़ा सा मैं आपसे खींचाऊंगा। यस,
सो जैसे ही हम लोग वीडियो पे आते हैं उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा जानेंगे ओके सारी चीजों को. सो यस इस वीडियो को पहले गौर से देखते हैं और इस वीडियो में जो भी बातें हुई है उसके बाद हम लोग इसी वीडियो से और इनकी पूरी जिंदगी से क्या लेसन हम लोग ले सकते हैं लीडरशिप की वो आप लोग देखेंगे. तो आप में से कितने लोग तैयार हैं, आप में से कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग एक्साइटेड है, राइट जॉब यस. जितने लोग तैयार हैं और आप देख सकते हैं आप ही ऑफिसर और बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी है और बहुत कुछ सीख हम सब आज यहां से जाने वाले हैं. That's great. मैं देख सकता हूं. बाद में आप जोश टॉक पे इनकी हिंदी में भी टॉक है वो देख लीजिएगा और इस नाम को टाइप करेंगे तो आपको यूट्यूब पे इनकी ढेर सारी वीडियोस मिल जाएगी. ये एक इंटरनेशनली नोन पर्सनालिटी है, बहुत सारे देशों के अंदर इनको सुना जाता है. तो आइए वीडियो देखते हैं सबसे पहले और वीडियो को थोड़ा थोड़ा पॉज करके जहां भी ऐसा लगेगा मुझे समझाना चाहिए आपको समझाते भी चलूंगा. Everyone we follow. I got a failure. The only thing I could see at that time was the army uniform. I can only imagine myself wearing an army uniform, the UPSC, the Union Public Service Examinations, which is supposed to be the toughest exam in the country. I sat for that. The result came. I forgot to lose more. That's what names, but now it's a start. यहां से ये शुरू हो रहा है. अब देखिए बहुत गौर से देखिए. जयहिंद. आई स्टैंड बिफोर यू ऑल टुडे नॉट बिकॉज आई एम स्मार्टर देन एनी ऑफ यू, नॉट बिकॉज आई एम मोर इंटेलिजेंट देन एनी ऑफ यू, नॉट बिकॉज आई एम मोर टैलेंटेड देन एनी ऑफ यू, नॉट बिकॉज आई एम टॉलर देन एनी ऑफ यू, नॉट बिकॉज आई हैव अ मोर बुलंद आवाज देन एनी ऑफ यू, बट बिकॉज आई हैव मेड नो मिस्टेक्स any of you, and also perhaps I have suffered more rejections, more humiliations, more failures, more struggles, and more hardships than any of you. Today when you see me all stand tall before you all with my medals and my ceremonial side cap, let me tell you all, I have earned it. It hasn't come overnight to me. I am Major Muhammad Ali Shah. I safeguarded our national frontiers in the states of Jammu and Kashmir in the northeast. I served in the army for 5 years, the Short Service Commission. So ladies and gentlemen, when I tell you all my story, I hope some of you can connect with it and it can affect some lives. I fell in love for the first time when I was 5 years old. Yes, 5 years old. What I fell in love with at the age of 5 was the olive greens, the army uniform. And the only thing I could see at that time was the army uniform. I could only imagine myself wearing an army uniform and saluting the president of the country. Yes, you heard it right. I could imagine myself in an army uniform saluting the president of the country. In class 5th, when I had my heartbreak, that was when I did not clear the entrance exam for the prestigious Doon School. In class 7th and 8th, I barely managed to scrape through. In class 9th, something drastic happened. I topped my match, but from behind. Yes, I topped it from behind. In class 10th, I got a compartment exam in maths. I had to reappear for maths. In class 11th, I just passed. It was just passed. In 12th, again I got through. I finished my schooling and now was the time to appear for the National Defense Academy for which I had been preparing myself and dreaming about for so many years. Burned the midnight oil. I was focused. I could only see that I am going to the National Defense Academy to serve my country. From Ooty, the boarding school that I was in, I went to Bangalore to appear for the National Defense Academy exam. Very well prepared, well equipped, did the exam, came back. When the result came, I was not selected, I was rejected. I failed the entrance exam for the National Defense Academy, something I had dreamt of all along. Can you imagine how heartbroken I would have been?
I had no second option. I had no plan B. I didn't think that I'm going to a college if I don't get through NDA. I was very sure that, okay, NDA is where I want to go. So I went specifically to Pune to do my graduation. I went to Pune specifically with the intention that I will be in close proximity of the National Defense Academy. I decided I will try for the army once again after my graduation. But in my first year, I got a fail ATKT, which means fail, but allowed to keep the term, which means again a compartment exam. I reappeared for the exam, I passed. Okay, I was promoted in the second year. Second year, once again I failed. ATKT, I didn't repeat the term, the year. I got a fail ATKT, allowed to keep term, and what did I fail in? I failed in the most unexpected subject. I failed in English. Yes, I failed in English. This is a lesson for most of you who think who are not good communicators because they are not good at English. No, communication is different and speaking English is different. Being educated is different, being literate is different. Now, how many did I score in English? Any guesses? Okay, I attempted full 100 marks in English. Did very well. Expected to get perhaps, maybe, I don't know. I'll not quote the figure, but when the result came, I got 1 out of 100 in English. Yes, you heard it right. I got 1 out of 100. No, not 10. 1 out of 100 in English. I couldn't believe myself. Everyone made fun of me. You're a failure. You failed in English. Dude, you are worst thing, man. You failed in English. How can a guy fail in English? That to get 1 out of 100 in English? Now this boy, imagine this client who was used to failing right from class 5th onwards, and he was teased, bullied all the time by his seniors, his batchmates, who had topped his batch but from behind, sat, dared to sit for the CDS, the Combined Defence Services, the UPSC, the Union Public Service Examinations, which is supposed to be the toughest exam in the country. I sat for that. I dared to sit for that, as I would say. Because they say, if you dare not, you won't. If you think you can, you can. So I sat for the exam, and when the result came, I was in Gurgaon that time. I caught a bus from Gurgaon to Shahjahan Road, where the UPSC office was. And I thought, obviously, I'll not make it because I have not been making it anywhere. I've not been passing anywhere. But when the result came, I saw on the notice board that there were no names, but my number was there right on top. I asked the army, bhai sahab, ye naam likhe hain, ye kiske hain? Jo fail hue hain ki jo pass hue hain? To aaj lage, bhai sahab, acha mazak kar lete hain. Ye zahir si baat hai, jo pass hue hain unke. I couldn't believe that I have passed. I said, no. Ye ho nahi sakta. Kyun? Kyunki bhai mera naam hai uspe. Sabse top pe mera naam. Yahan to aap pass hue hain na? I was struck. I have passed. मैं दौड़ता हुआ गया, my happiness knew no bounds. I went to the nearest STD booth, called up my parents and told them that your son has passed in the Combined Defence Services, the UPSC exam. But that was not all, ladies and gentlemen. I had to undergo a 4-day rigorous test at Allahabad, the Services Selection Board, mental, psychological, physical. I cleared the SSB and a plus sign was given on my chest number. I mean, Dakhla ho gaya, Officers Training Academy, one of the finest institutions in the country. I entered the portals of the Officers Training Academy. Wahan pe I excelled in everything. Kyunki like military school se aaya tha, college mein maine NCC kari thi. So I was very passionate about the forge. But the simplest test, I failed. In the DST, the drill square test, the marching test. First attempt, failed. Second attempt, failed. Third attempt, failed. Return break hui. Jitne bhi cadets hain, gentlemen cadets, sab ghar gaye. Chutti banane ke liye, lekin main academy nahi ruka raha. Mere ko extra drills diye gaye, punishments diye gaye. Wo puri complete kari maine. Main drill pe kadi mehnat kari ke fourth attempt mein main pass jaunga. Fourth attempt failed,
fifth attempt failed, and sixth and the last attempt, I once again failed. So special test was conducted for few of us, who's maybe, I don't know whether I fail or not, I was made to pass, मैं तो ये मानूंगा. लेकिन मैंने कसम खा ली उस दिन कि मेरा सपना था रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी 2008 जब मैं फौज छोड़ूंगा तब तक मैं राष्ट्रपति को सलामी दूंगा और ये परेड कमांड करूंगा. मैंने परेड कमांड करी 26 जनवरी 2008 राजपथ पे. लेकिन सुनिए एक और किस्सा. 5 जनवरी 2008 में मेरे दोनों पांव में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गए थे. क्यों? क्योंकि आई वाज वेरी ईगर टू परफॉर्म. जोश तो कूट कूट के भरा था. तो मैं अपना जब लेग मारता था स्टैंपिंग के लिए कुछ ज्यादा जोर से मारता था मैं. And as a result, I developed stress fracture. Where I overdid it. Lesson learned: never overdo anything in life. I was told कि भाई बहुत दर्द है. और मैं मिलिट्री डॉक्टर के पास नहीं गया क्योंकि परेड करल दूर. वो मुझे परेड पे जाने नहीं अलाउ करेंगे, देखने नहीं अलाउ करेंगे. वो बैंडेज बांध लेंगे, प्लास्टर बांध लेंगे, बढ़िया रेस्ट करिए. मैं सिविल डॉक्टर के पास गया. मैंने बोला मुश्किल है, आपकी दोनों हड्डियों में स्वेलिंग्स हैं, आप परेड नहीं कर सकते. मैं कहा नहीं सर, मुझे करनी है. आप यकीन मानेंगे, मैंने रोज पेन किलर्स लिए. रोज सुबह 4 बजे मैं परेड ग्राउंड में पेन किलर्स खा के अपने दस्ते के साथ मैं प्रैक्टिस करता था. और 26 जनवरी 2008 मेरा सपना पूरा हुआ. उसी साल मेरे शॉर्ट सर्विस कमीशन 5 साल फौज में पूरे हुए और मैंने 26 जनवरी की परेड कमांड करी. So lesson learned is, you got to think high, you rise. You got to be sure of yourself before you can ever win the prize. Life's battles don't always go to the stronger or faster man. But sooner or later, the person who wins is the one who thinks he can. So ladies and gentlemen, you can imagine the plight of this 5-year-old boy who dreamt or wearing the uniform one day, but failed continuously. He failed, failed, and failed. He was told that it's beyond you. You cannot do it. You're good for nothing. He was rebuked everywhere. To an extent, he almost started having a self-doubt about himself that perhaps I'm not good enough. But my mental strength fought with all odds. If your mind can achieve what you can conceive, और आपको दिखता है वो होते हुए वो होएगा, पक्का होएगा. मैं आपको गारंटी दे रहा हूं. I am a living example of that. I did not feel it will bog me down. I failed so many times in life. I perceive failure as FAIL, first attempt in learning. When you hear no as an answer, take it as NO. Next opportunity. When you hear end as an answer, कि भाई life has ended, अब तो इसके आगे कुछ नहीं है मेरे लिए. No, it is an effort or an endeavor never dies. तो अब ये याद रखिए, don't give up when your heart is hit. It's when things seem worst you must not quit. आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए. हमारे दिमाग में पूरी ताकत यहां पे है और हमने ठान लिया कि हमें ये करना है. मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके दम से लाने में नहीं रोक सकती. सो माय स्कूल मोटो इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, नेवर गिव इन. जय हिंद. टेल अस व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी. राइट, जितने लोग अभी तक यहाँ पे मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को चीज़ें समझ में नहीं भी आई होंगी. आई नो दैट थोड़ी सी आपको मुश्किलें हुई होंगी, बट एनीवे डोंट वरी, अभी मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ. अब हम लोग आज का पूरा जो सेशन है वो शुरू करने वाले. कितने लोग को समझ में आया, कुछ भी समझ में आया? कितने लोग को कहानी थोड़ी बहुत भी समझ में आई, कुछ ना कुछ आपको समझ में आया? 50%, 25%, 30%, कुछ ना कुछ आपको समझ में आया. राइट ऑफ गैस, राइट अब कैस. बाकी मैं आपको बताऊंगा, ये कहानी काफी इंस्पायरिंग है. तो जितने भी लोग अब आपको अगर कनेक्ट होना है, कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि अब ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं और क्या लेसंस निकलते यहां से वो हम लोग अब सीखने वाले. या लिटिल बिट मुझे बताया कि इंग्लिश में ये पूरी स्टोरी थी, इसलिए मैंने आपसे कहा कि हिंदी में भी ये स्टोरी है. जोश टॉक पे आप जाके उसे देख सकते वहां पे. और अभी मैं वैसे भी आपको बताने वाला हूं, तो बी रेडी फॉर दैट.
थोड़ा बहुत तो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। यस, मैं देख सकता हूं कि किसी ने कहा कि मैं अभी आया, कोई बात नहीं। देखिए, ये मेजर मोहम्मद अली शाह सर हैं और इनकी जिंदगी में बहुत सारे फेलियर्स हैं, जैसे कि पूरी कहानी, अगर पूरी वीडियो जिन लोगों ने देखी वहां पे आपको पता चला कि 5 ईयर्स की एज में, राइट, इनको प्यार होता है। किससे प्यार होता है? वो वर्दी जो होती है, हाँ, सेना की जो वर्दी होती है, उससे प्यार होता है। और ये अपने आप को उसी समय से सेना में देखते हैं और वो मार्च करते, वो परेड करते हुए और जो राष्ट्रपति है उनको सलामी देते हुए, तो वो जो 26 जनवरी को जो मार्च होता है उसको वो लीड करते हुए खुद को देखते हैं। लेकिन बाद में जब चीजें आपको पता चलती कि दून का इंटरेस्ट नहीं निकल पाता इनसे, फिर वो 7th और 8th कैसे भी पास करते हैं, 9th में वो सबसे पीछे आते हैं, अपने क्लास में टॉप करते हैं, कैसे, बिहाइंड से, पीछे से टॉप करते हैं। और फिर 10th में कंपार्टमेंट लग जाता है, उसके बाद से 12th के बाद जब वो एनडीए की एग्जाम देने जाते हैं वो एग्जाम में रिजेक्ट हो जाते हैं, एग्जाम उनसे क्वालिफाई वो नहीं कर पाते, और पूरी जिंदगी वो यही सोच रहे थे कि मुझे एनडीए में जाना है, मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना है। और उस समय से 5 साल की उम्र से वो यही सोच रहे थे कि मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना है। उनके पास कोई प्लान भी नहीं था, उन्होंने सोचा नहीं था कि मुझे ग्रेजुएशन में जाना है या कॉलेज में जाना है। फिर भी वो कॉलेज में गए तो पुणे उन्होंने चुना, क्योंकि वहां से नेशनल डिफेंस एकेडमी तो कहीं ना कहीं एक क्लोजनेस रहेगा। और वहां भी वो पार्ट 1 में कंपार्टमेंट लगा, पार्ट 2 में कंपार्टमेंट लगा, पार्ट 3 में कैसे भी निकले, उसके बाद से सीडीएस दिया, कंबाइंड डिफेंस जो होती है सर्विसेज, तो उसका एग्जाम दिया, वहां पे वो क्वालिफाई हुए। उसके बाद से वो कहने के आर्मी में गए हैं, ऑफिसर बने हैं, लेकिन वहां पे जाने के बाद जो ड्रील था, जो मार्चिंग थी, उसमें वो फेल होते चले गए, वो सारी कहानी थी। लेकिन फाइनली उनका जो सपना था कि 26 जनवरी को 2008 की मुझे वो लीड करना है, वो मार्च, वो उन्होंने किया। उसकी भी वीडियो हम लोग देखेंगे लास्ट में, बट आगे अब थोड़ा सा समझते हैं पूरी कहानी और क्या क्या इससे सीख मिलती है, वो थोड़ा सा समझ। अब देखिए, पहली चीज, गुड थिंग्स वर्सेस बैड थिंग्स। हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीजें अच्छी होती हैं और कुछ चीजें बुरी होती है। तो अच्छी चीजें जैसे स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस, टैलेंट, लुक्स, वॉइस, ये सारी चीजें, तो हम सब मानेंगे कि ये सारी चीजें अच्छी है, स्मार्टनेस है, इंटेलिजेंस है, टैलेंट है, लुक्स है, वॉइस है, तो इन सारी चीजों को हम कहीं ना कहीं अच्छा समझते हैं और हमें लगता है कि ये सारी चीजें अच्छी हैं। जो चीजें हमें खराब लगती है वो डेफिनेटली ये होती है, मिस्टेक्स हो गए, रिजेक्शन हो गए, ह्यूमिलिएशन हो गए, फेलियर्स हो गए, स्ट्रगल्स हो गए, हार्डशिप्स हो गए, तो ये हमें खराब लगती है। लेकिन जब ये अपने टॉक को शुरू करते वहां पे वो एक बात कहते कि आज मैं यहां पे खड़ा हूं इसलिए नहीं कि मैं आपसे अधिक स्मार्ट हूं, आपसे अधिक इंटेलिजेंट हूं, आपसे अधिक टैलेंटेड हूं, आपसे अधिक अच्छा दिखता हूं, जो भी, क्या मेरी अधिक बुलंद आवाज है, इन सब चीजों के चलते मैं आपके सामने नहीं खड़ा हूं। मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैंने अधिक मिस्टेक्स किए हैं, मुझे अधिक रिजेक्शन मिले हैं, अधिक ह्यूमिलिएशन मैंने झेला है, अधिक फेलियर्स मुझे जिंदगी में बहुत अधिक संघर्ष किया है, आपसे अधिक किया और हार्डशिप अधिक देखे, तो इन चीजों के चलते मैं के सामने खड़ा हूं। तो पहली बार में हमें क्या लगता है कि ये चीजें अच्छी हैं, तो जिंदगी में इनिशियली हम सबको लगता है कि ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन इन सारी अच्छी चीजों के चलते वो कहते हैं कि मैं आपके सामने नहीं खड़ा हूं। मैं क्यों खड़ा हूं? जो चीजें हमें खराब दिखते कह रहे हैं, ये रिजेक्शन हमें क्या लगता है खराब, हमें ह्यूमिलिएशन क्या लगता है, हमें लगता है ये खराब है, फेलियर्स क्या खराब है, स्ट्रगल्स क्या खराब है, हार्डशिप क्या खराब है, तो ये सारी चीजें हमें खराब लगती है, लेकिन इन्हीं चीजों के चलते वो कहते हैं कि मैं आपके सामने खड़ा हूं क्योंकि इन चीजों को मैंने आपसे अधिक फेस किया है, आपसे अधिक झेला है। तो अगर आज हमें जिंदगी में फेलियर्स मिल रहे हैं, रिजेक्शन मिल रहे हैं, हमारा लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हमें अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है, हमें बहुत अधिक मुश्किलें झेलनी पड़ रही है, तो आज ये सारी चीजें पहली नजर में तो हमें खराब लगती है कि ये सारी चीजें खराब है, लेकिन जिंदगी में जिस दिन भी आप कामयाब होंगे, जिस दिन भी आप दुनिया के सामने खड़े होंगे, तो आप इन चीजों के चलते खड़े नहीं होंगे, आप इन चीजों के चलते खड़े होंगे। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? राइट डाउन यस, राइट डाउन यस। जितने लोगों को भी ये बात समझ में आई, कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि हमें तो लगता है नो डाउट कि यही सारी चीजें अच्छी हैं, हाँ, और इन्हीं सारी चीजों के चलते कोई इंसान सफल होता होगा, इन सारी चीजों के चलते, और ये चीजें कहीं ना कहीं हमें लगती है कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे, हमारा दिन काफी खराब चल रहा है, हाँ, हमारा नसीब बढ़िया नहीं है, हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, इसलिए हमें बार बार रिजेक्शन मिल रहे हैं, फेलियर्स मिल रहे हैं, हमें बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है, ये सारी चीजें। लेकिन फाइनली जब आप जिंदगी में सफल होंगे तो इन सारी चीजों के चलते नहीं होंगे, मुझे लगता है कि इन चीजों के चलते होंगे, क्योंकि सर भी यही बता रहे थे। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? राइट, यस, मैं देख सकता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग यहां पे यस लिख रहे हैं, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये पहली सीख यही हमारे साथ जो जुड़ती है कि लीडर्स, देखिए अब एक आम इंसान
इन सारी चीजों को मुश्किलों के तौर पे देखता है। उसे रिजेक्शन खराब लगेंगे, उसे फेलियर्स खराब लगेंगे, स्ट्रगल्स खराब लगेंगे, हार्डशिप खराब लगेंगे, ह्यूमिलिएशन खराब, वो इन सारी चीजों को बहुत बुरा मानता है, खराब मानता है जो एक आम इंसान होता है। और इन सारी चीजों को जब कभी भी वो फेस करता है तो बड़े दुखित मन से करता है। लेकिन जो लीडर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि ये सारी चीजें खराब चीजें नहीं है साहब, यही सारी चीजें उसे खास बनाएंगी। अगर आप इन सारी चीजों को फेस कर गए तो डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी में स्पेशल बनेंगे, क्योंकि जितने लोग भी आज अपनी जिंदगी में स्पेशल हुए और जो लीडर्स हैं उन्होंने ये आपसे अधिक झेला है। वही वो बात बोल रहे थे कि आपसे अधिक स्मार्ट हूं इसलिए खड़ा रही हूं, आपसे अधिक इंटेलिजेंट हूं इसलिए खड़ा रही हूं, आपसे अधिक अच्छा दिख रहा हूं इसके लिए खड़ा रही हूं, मेरी आवाज आपसे अधिक बुलंद है इसके चलते खड़ा नहीं हूं, मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैंने अधिक मिस्टेक्स किए, मैंने अधिक रिजेक्शन झेले, मैंने अधिक ह्यूमिलिएशन झेले हैं, मैंने अधिक फेलियर सहे हैं, मैंने अधिक स्ट्रगल किया है, हार्डशिप अधिक देखिए इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो ये बात अगर आप जिंदगी में समझ गए तो शिकायतें बंद हो जाती। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि शिकायतें, देखिए वो लीडर कभी शिकायत नहीं करता साहब, लीडर शिकायत नहीं करते हैं, वो भगवान से शिकायत नहीं करते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा संघर्ष इतना क्यों बड़ा हो रहा है, मुझे सफलता। देखिए वो सॉल्यूशन जरूर खोजते हैं, अपने मिस्टेक्स को पहचानते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसे रेक्टिफाई करते हैं, उसे सुधारेंगे, लेकिन वो शिकायती नहीं होते, वो शिकायत नहीं करते फिरते, वो ब्लेम नहीं करते, हाँ वो बहाने नहीं बनाते। तो अगर आपको ये बात आज समझ में आ जाए कि गुड थिंग्स वर्सेस जो बैड थिंग्स है, कि जो चीजें बैड जैसी दिखती हैं, खराब दिखती हैं, दरअसल वो खराब होती नहीं है, वही खराब चीजें जो शुरू में खराब लग रही हैं बाद में जिंदगी में पता चलता है कि उन्हीं चीजों के चलते आप अच्छे बन पाए, आप और स्ट्रांग बन पाए। गेटिंग माई पॉइंट, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? राइट हैंड गैस, थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी। यस, तो अभी यहाँ पे बहुत सारे, तो आप में से भी बहुत ऐसे लोग होंगे जो आज इन सारी चीजों को झेल रहे होंगे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो आज आप रिजेक्शन को झेल रहे होंगे, आज बहुत सारे लोग आपका मजाक उड़ाते होंगे, बहुत सारी फीलिंग्स आपको मिल रही होंगी, बहुत अधिक आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, हार्डशिप, बहुत सारी मुश्किलें, इन सारी चीजों को आप झेल, कितने लोगों के साथ ये सारी चीजें हो रही, राइट? अब यस, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं भी इन सारी चीजों से आज गुजर रहा हूं, इनको फेस कर रहा हूं, कितने ऐसे लोग हैं? राइट हैंड यस, अगर आप इन सारी चीजों में से कुछ भी झेल रहे हैं, कुछ भी फेस कर रहे हैं, तो राइट हैंड यस, आई कैन सी हियर, राइट? आज भी मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया था, एक दो बच्चों का मैसेज आया था कि सर मैं काफी अधिक परेशान हूं और मैं काम नहीं कर पा रहा, या मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, मुझे काफी रिजेक्शन मिल रहे हैं, हाँ कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, लाइक दिस, यही हो रहा था उनके साथ, ये सारी चीजें उनके साथ हो रही हैं, और क्या कह रहे थे कि मैं काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूं, काफी गुस्सा आता है। तो ये जो गुस्सा वाली बात है, फ्रस्ट्रेशन वाली बात है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि उनको इसकी इंपॉर्टेंस अभी नहीं पता है। तो अगर आपको इन सारी चीजों की इंपॉर्टेंस नहीं पता है, तो आप कभी भी इन सारी चीजों को फेस करते वक्त उस उत्साह के साथ फेस नहीं करेंगे, उस विश्वास के साथ फेस नहीं करेंगे, उस एनर्जी के साथ फेस नहीं करेंगे जिससे कि आप जीत पाए। आप हमेशा दुखित होकर फेस करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड होकर फेस करेंगे। तो अगर आप दुखित हैं तो आप जीतेंगे कैसे? अगर आपको जीतना है तो आपको उस दुख को छोड़कर और उत्साह को कहीं ना कहीं कबूल करना होगा। अगर आप दुख के अंदर है तो आप अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो उस उत्साह को लाने के लिए आपके पास इतनी समझ होनी चाहिए कि ये जो गुड थिंग्स वर्सेस बैड थिंग्स है, तो जो चीज आज हमें गुड लग रही है, ये जो चीजें हमें गुड लग रही है, ये गुड चीजें लोगों को वो सक्सेसफुल नहीं बनाती, बल्कि ये जो बैड जो चीजें हमें दिखती हैं वही लोगों को सक्सेसफुल बनाती है। गेटिंग माय पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट जो चीज है, राइट, यू नीड टू अर्न इट। उन्होंने कहा कि ये जो चीजें आप देख रही हैं, जो मेडल्स देख रहे हैं, ये जो कैप देख रहे हैं, तो इसको मैंने अर्न किया है। लीडर्स अर्न करना जानते हैं, वो मांगते नहीं है साहब, और उनको मिलता भी नहीं है। अगर किसी को लगता है कि सफलता मिल जाएगी, सफलता मिलती नहीं है, सफलता को अर्न करना पड़ता है। हाँ, जो आपकी प्रेस्टीज है, जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, जो आप जो कुछ भी आपकी जो रिस्पेक्ट होगी, आप उसे अर्न करते हैं। आपको जिंदगी मिलती है लेकिन सफलता अर्न करनी पड़ती है। आपको सांसें मिलती है लेकिन आपको जो स्वास्थ्य है, बाकी सब सारी चीजें वो अर्न करनी है आपको जिंदगी में। तो एक चीज जो उन्होंने वहां भी बोली कि मैंने इन सारी चीजों को अर्न किया, अर्न करने का मतलब कि आप उसके लिए जो प्राइस है वो पे करने के लिए तैयार हैं। अर्न करने का ये मतलब है, कुछ मिल जाने का मतलब है कि आपको दे दिया गया,
विरासत में मिल गई चीजें, लेकिन विरासत में वो चीजें नहीं मिलती, सफलता विरासत में नहीं आती, उसको अर्न करना पड़ता है। रिस्पेक्ट जो है, जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, राइट, जो आपका ज्ञान है, जो ये सारी चीजों को अर्न करना पड़ेगा आपको। तो लीडर्स हमेशा जानते हैं कि उनको अर्न करना पड़ेगा, जो भी चीज वो पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उनको अर्न करना पड़ेगा, यानी उनको उसके लिए पे करना पड़ेगा। और अगर आप पे करने के लिए तैयार नहीं है, यानी आप अर्न नहीं कर रहे हैं, यानी आप चाहते हैं आपको कहीं से मिल जाए, किसी शॉर्टकट से मिल जाए, कोई और आपको दे दे, कोई और आपके बदले काम आके कर दे, तो आप कोई टेक्निक या कुछ और खोज रहे हैं, यानी आप प्राइस देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, जैसा कि उन्होंने कहा कि मैंने अर्न की है चीज़ों को, मैंने जो चीज़ें मुझे जिंदगी में मिली है मैंने उसे अर्न किया है। अब एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी लिखी हुई है, देखिए इसे, लेट्स सी, एक काफी अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है, आइए इसे थोड़ा सा देखते हैं। व्हाट इज दिस? देखिए, ओके, यू हैव टू फाइट थ्रू सम बैड डेज to earn the best days of your life. This is amazing quote. You have to fight through some bad days. आपको कुछ खराब दिन से कहीं ना कहीं लड़ना पड़ता है, fight, लड़ना होगा कुछ खराब दिनों से, to earn करने के लिए, कमाने के लिए, the best days of your life. अगर आप अपनी जिंदगी में सुनहरे दिन चाहते हैं, अच्छे दिन चाहते हैं, तो जो बुरे दिन है, कुछ बुरे दिनों से तो आपको डेफिनेटली फाइट करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे दिनों को अर्न कर पाएंगे। तो अगर जिन लोगों के साथ भी बुरे दिन चल रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि वाकई उनका खराब वक्त चल रहा है, अभी बढ़िया वक्त नहीं चल रहा, वो काम कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही, उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहे, यानी यही चीज आपके साथ अभी हो रही है, तो यानी अभी भी आप फाइट कर रहे हैं उन कुछ बुरे दिनों से, ताकि आप अच्छे दिनों को अर्न कर पाए। हमेशा याद कि ये पूरा एक प्रोसेस है, अर्निंग एज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में अगर आप हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यही चीज आपके साथ हो रही है, और अच्छे दिन तभी आएंगे जब आप बुरे दिनों से लड़ने के लिए तैयार हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में, राइट आर्म गैस, और कितने लोग लड़ते रहने के लिए तैयार हैं, गिव अप नहीं करेंगे, फाइट करते रहेंगे, राइट आर्म गैस। अगर आपके साथ कुछ भी बुरा चल रहा है तो आप गिव अप नहीं करेंगे, आप फाइट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप इस बात को समझते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में बढ़िया दिन लाना चाहते हैं तो आपको खराब दिनों का मुकाबला तो करना पड़ेगा साहब, वरना ऐसे तो अच्छे दिन नहीं आने वाले। गेटिंग दिस पॉइंट, दैट्स ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट जो चीज है, डोंट जस्ट ड्रीम, फॉल इन लव विद देम। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि जब मैं 5 साल का था तो मुझे प्यार हुआ, मैं, उन्होंने बोला कि आई फेल इन लव, तो मैं, मुझे प्यार हुआ, आई फेल इन लव, किस चीज से? वो वर्दी जो थी, जो आर्मी की जो वर्दी है उससे प्यार हो गया, जो सेना की जो वर्दी है, यूनिफॉर्म से प्यार हुआ। ये लीडर्स जो होते हैं वो सिर्फ ड्रीम नहीं करते, वो ड्रीम से प्यार करते हैं। ये एक बड़ी सीख है, देखिए एक बहुत बड़ी सीख है कि कुछ लोग सपने देखते हैं लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सपनों से मोहब्बत कर पाते हैं साहब। डोंट जस्ट ड्रीम, यही एक बहुत बड़ी सीख है, फॉल इन लव विद देम। तो सिर्फ आप सपने मत देखिए बल्कि उनसे मोहब्बत करना सीखिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ सपने देखते हैं और अगर आपका उनसे जुड़ाव नहीं है, उनसे आपकी मोहब्बत नहीं है, तो आपके अंदर वो कशिश कभी नहीं होगी, आपके अंदर वो दीवानगी, वो नशा कभी नहीं होगा उसको पाने के लिए। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि सिर्फ सपने मत देखिए बल्कि उनसे प्यार भी कीजिए। और देखिए, फॉल इन लव विथ योर ड्रीम्स, ये बड़ा अच्छा कोट है कि फॉल इन लव विथ योर ड्रीम्स, सक्सेस विल फॉल इन लव विथ यू। क्या बात है, कहा कि फॉल इन लव, आप प्यार कर लीजिए किससे? अपने सपनों से। तो सफलता किससे प्यार करने लगेगी? सफलता को आपसे मोहब्बत हो जाएगी, राइट? सक्सेस विल फॉल इन लव विद यू। तो अगर आप अपने सपनों से प्यार करते हैं तो सफलता को आपसे प्यार हो जाता है। बहुत सारे लोग सपने देख रहे हैं लेकिन उनको सपनों से मोहब्बत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने लक्ष्य बना रखे हैं, टारगेट डिसाइड कर रखे हैं, इस साल क्या लेना है उन्होंने कर लिया है, इस साल क्या सीखना है उन्होंने एक टारगेट ले लिया है, लेकिन उस चीज से उनको कितनी मोहब्बत है ये उनको नहीं पता, राइट? कितनी बेचैनी है उनके अंदर उस चीज को लेके, ये शायद वो चेक नहीं कर पाए। तो अगर आपके पास ड्रीम है लेकिन उस ड्रीम से आपको मोहब्बत नहीं है तो आप सफलता आपसे कभी मोहब्बत नहीं करेगी फिर, राइट? ये चीज क्लियर होनी चाहिए। कितने लोग का क्लियर हुआ, राइट आर्म गैस, राइट आर्म गैस, जितने लोग का भी ये चीज क्लियर हुआ, राइट आर्म गैस, जल्दी से यस लिखिए अगर आपको ये बात समझ में आई। So that's great. Yes, मैं देख सकता हूं काफी लोग यहां पे हैं जिनके पास
सिर्फ सपने नहीं है, उन सपनों से उन्हें मोहब्बत भी है, उन सपनों से उन्हें प्यार भी है कहीं ना कहीं, दैट्स ग्रेट। और यही बात यहां पे लिखी हुई है कि फॉल इन लव विद योर ड्रीम्स, देन सक्सेस विल फॉल इन लव विद यू। तो सफलता को आपसे मोहब्बत हो जाएगी अगर आपको अपने सपनों से मोहब्बत हो, दैट्स ग्रेट। सो आइए नेक्स्ट लेसन पे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट लेसन था यूज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। उन्होंने कहा कि मुझे क्लियर कट दिखता था कि मैं वर्दी में हूं, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो विजुअलाइजेशन है कि मुझे क्लियर कट, मैं खुद को वर्दी में देखता था, मैं मार्च करते हुए और राष्ट्रपति को सलामी देते हुए खुद को देखता था, ये जो दिखना है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सफलता का एक बहुत बड़ा राज इस विजुअलाइजेशन में है कि आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, जो भी चीज आपको चाहिए, जो चीज आप आना चाहते हैं, जो भी आपका सपना है, वो सपना आपका होता हुआ आपको दिखता है कि नहीं। किसी इंसान से किसी को मोहब्बत है, अगर वो इंसान उसे उसका होता हुआ नहीं दिखता तो उसको मिलेगा भी नहीं। उसी तरीके से अगर कोई सपना आपके पास और वो सपना आप विजुलाइज नहीं कर पाते, वो आपको अपना होते हुए नहीं दिख रहा, तो फिर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मुझे दिखता था, मुझे अपने आप, मतलब वो अपने आप को वर्दी में देखते थे। हाँ, वो कहते कि मैं मार्च करता हुआ, राष्ट्रपति को सलामी देता हुआ, खुद को क्लियरली देखता था। देखिए, ये विजुअलाइजेशन का पावर बहुत बड़ा है। और चूंकि जितने भी लोग आप में से, हाँ, तो लीडर्स के पास, क्योंकि आप सब लीडर्स हैं कहीं ना कहीं, लीडर्स के पास ये विजुअलाइजेशन की पावर बहुत बड़ी होती है साहब। लीडर्स को चीजें दिखने लगती हैं। लीडर कौन होते हैं? जिन्हें उनकी सफलता पहले ही दिख जाती है, और सफलता दिखनी ही चाहिए। अगर आपका ये विजुअलाइजेशन कमजोर है, आपको दिखता ही नहीं है, ब्लर है सारी चीजें, समझ रहे हैं, ब्लर है, फोटो सही क्लियर नहीं बन रहा, विजुलाइज नहीं कर पा रहे, इसका क्या मतलब है कि आपके पास कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है, वो चीज आपको अभी मिलेगी नहीं। अगर आप कोई भी चीज पाना चाहते हैं तो वो आपको दिखनी चाहिए, विजुलाइज होनी चाहिए। वही बात वो कहते हैं अपनी कहानी में भी कि मुझे दिखता था, मैं वर्दी में खुद को देख पाता था। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां देखते हैं थोड़ा सा, द की टू इफेक्टिव विजुअलाइजेशन इज टू क्रिएट द मोस्ट डिटेल्ड क्लियर एंड विविड अ पिक्चर टू फोकस ऑन। अब ये बहुत बड़ी बात है कि कैसे आप वाकई इफेक्टिव विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। तो इसके लिए ना आपके पास डिटेल क्लियर बिल्कुल विविड पिक्चर होना चाहिए जिसपे आप फोकस कर पाए। इसलिए कई बार आपने बहुत सारे मोटिवेटर्स को या फिर लाइफ कोचेस को सुना होगा या सब बोलते हुए कि आप अपने बेडरूम में जहां भी आप सोते हैं वहां पे जो भी चीज आपका टारगेट है उसकी पिक आप डाल दीजिए, राइट, उसे आप कहीं ना कहीं पेस्ट कर दीजिए, और आप जब कभी भी सोने जा रहे हैं या फिर सुबह में उठ रहे हैं तो उसको एक बार जरूर देखिए, राइट। ये ऐसा कई लोगों ने सुना होगा, आप में से कितने लोगों ने ऐसा सुना है, राइट डाउन यस, राइट, जितने लोगों ने भी ऐसा सुना है कभी भी किसी को भी बोलते हुए कि जब कभी भी आप कोई सपना देख रहे हैं तो उसे क्या कीजिए, उसका फोटो आप अपने बेडरूम में चिपका दीजिए, कितने लोगों ने ऐसा कुछ सुना है, राइट हम क्या यस, मैं देख सकता हूं बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी होगी, कई जगह पे आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा, कई ट्रेनिंग वर्कशॉप में और कई लीडर्स के द्वारा आपने ये बात सुन ली होगी कि आप जो भी सपना आप देख रहे हैं उसे आप अपने बेडरूम में एक बड़े से चार्ट पेपर पे या उसका पैक लाके, कोई कार आपको चाहिए, कोई स्टेज पे आपको जाना है, कुछ भी इतने का चेक चाहिए, आप उसे जरूर चिपका दें। हाँ, ऐसा सुना होगा आपने। अब मुझे बहुत ईमानदारी से आपका जवाब चाहिए, बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया है, ऐसा किया है? अगर आपने किया है तो प्लीज आप यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए, ईमानदारी से। अगर आपने किया है, कोई भी जो आपका टारगेट है, टारगेट के साथ उस सपने को आपने चिपकाया है और सच में आप देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, या फिर आपने इतना कम से कम कर रखा है, तभी यस लिखिएगा, वरना नो लिखिए। थोड़ा सा पूरी ऑनेस्टी के साथ देखिए, एक होता है सुनना, एक होता है जानना, एक होता है महसूस करना, और एक होता है इन सारी चीजों का उपयोग करना। तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, कुछ सारे लोग समझते हैं, बहुत कम लोग एहसास करते हैं, और उनमें से भी बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इन सारी चीजों का उपयोग कर पाते हैं। तो हम सबके पास ज्ञान बहुत अधिक है, नॉलेज बहुत अधिक है, हम सब ने सुन रखी बहुत सारी बातें, विजुअलाइजेशन को हजार बार सुन लिया होगा, एक दो बार नहीं सुना होगा, कई बार आपको बताया गया होगा, चिपका दो कर दो ऐसा, रोज देखा करो, बट नहीं देखते हम, रियलिटी है ये, नहीं देखते। देखिए, आप देख सकते हैं, मैं सबसे पहले तो आपको थैंक्स कहना चाहता हूं आपकी ईमानदारी के लिए। आई एम रियली रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर योर ऑनेस्टी, जो आप यहां ऑनेस्टी शो कर रहे हैं, दैट्स अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, कि आप इतनी ईमानदारी से यहां पे नो लिख रहे हैं, यानी आप बदल सकते हैं, यू कैन चेंज योरसेल्फ। जो ईमानदार लोग होते हैं वो खुद को बदल सकते हैं साहब, वो दुनिया बदल सकते हैं। यहां पे नो लिखने वाले लोग, थैंक्स अ लॉट, राइट,
Heads up to all of you, जो इतनी ईमानदारी से यहां पे नो लिख रहे हैं. यस भी कुछ लोग लिख रहे हैं, नो डाउट आपने जरूर ये काम कर लिया होगा, लेकिन मैं उन लोगों को बहुत अधिक शुक्रिया कहना चाहता हूं जिन्होंने या नो लिखा है या नकी किया है, ऐसा लिख रहे हैं जो लोग. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. क्योंकि आप ये बात अब देखिए, आज के बाद ऐसा छोड़ दीजिए, अब कल से तो कर ही दीजिए. चलिए आज तो नहीं कर पाएंगे, शायद रात हो जाएगी, कल से तो कर ही दो यार. ये विजुअलाइजेशन को हल्के में मत लो. सर ने भी क्या बोला, मुझे वर्दी दिखती थी, मैं वर्दी में खुद को देखता था. ये सारे बड़े लोग को दिखना शुरू हो जाता है, मिलने से पहले दिखना शुरू हो जाता है. इनकी इनके पास ना यही एक जादू है साहब, इनके पास जादू है, इनको दिखना शुरू हो जाता है. और छोटे लोग को दिखता नहीं है, लीडर्स वो होते हैं जिनको दिखना शुरू हो जाता है. और ये दिखने की प्रक्रिया जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी क्लियर होगी, उतना खतरनाक सफलता आपको मिले. मतलब ये एकदम क्लियर कट होना चाहिए, एकदम क्लियर दिखना चाहिए, कोई ब्लर नहीं होना चाहिए, स्पष्ट दिखना चाहिए. इसलिए कई बार कहा जाता है कि जो कार चाहिए, जिस रंग की चाहिए, जितने की चाहिए वही लगा दो. जैसा कुछ चाहिए आपको जिंदगी में वही करो, वही लगाओ, वही देखो. और ये तो सिर्फ पोस्टर तो एक छोटी सी, ये तो ये आप कह सकते हैं नर्सरी वाली बात. नर्सरी वाली बात मैं क्यों बोल रहा हूं कि वो एक आधार है कि जिन लोगों का अभी विजुअलाइजेशन उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, जो आंख खोल के नहीं, हाँ खुली आंखों से, बंद आंखों से, वो आंख खोलते फिर भी उनको वो चीजें दिखती है, वो आंख बंद करते फिर भी वो चीजें दिखती हैं. अगर नहीं हो पा रहा, मान के चलिए विजुअलाइजेशन उतना स्ट्रांग नहीं हो रहा, बंद आंखों से नहीं दिखता, ब्लर दिखता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा कि कहां जाऊंगा, दिख नहीं रहा कि टीम बन रही है, दिख नहीं रहा कि वो चीजें मिलेंगी जो चीजें हमने लिख रखी है, तो कम से कम खुली आंखों से ना उसे दिखे, वो कई बार देखे. तो जब खुली आंखों से हजार बार देखेगा तो एक दिन बंद आंखों से भी दिखेगी. तो ये विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो, ये जादू है साहब. सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सारा खेल इसी का है, पता नहीं चलता. अच्छा पता सबको चलता है, लोग कर नहीं पाते. दिक्कत यहां पर लोग कर नहीं पाते, और जो बड़े लोग होते हैं उनके पास ये जादू होता है, उनके पास ये जादू होता है. विश्वास कर लीजिए, उनको सब कुछ दिखता है साहब, और दिखता है इसलिए उनको मिल जाता है, दिखता है इसलिए मिल जाता है. जिसे दिखेगा साहब उसे ही मिलेगा, प्रकृति का नियम इतना ही है यहां पे. जिसे दिखेगा उसे मिलेगा, जिसे नहीं दिखेगा उसे नहीं मिलेगा. अब मान के चलिए इस रूम में सपोज या रोड पे ही आप में से बहुत सारे लोगों को रोड पे 10-20-100 रुपए कभी मिले होंगे, शायद मिले होंगे, हाँ कभी ना कभी मिले होंगे. आप सोचिए कि जब रोड पे वो 100 रुपए आपको मिले, तो उस समय आपसे गुजरने से पहले बहुत सारे लोग गुजरे होंगे, आपके गुजरने से पहले बहुत सारे लोग गुजरे होंगे. उनको दिखा नहीं तो उनको मिला नहीं, आपको दिखा तो आपको मिला. दैट्स वेरी सिंपल. अब इससे ना समझ में आए तो विजुअलाइजेशन का पावर कभी नहीं समझ में आएगा. तो ये छोटी छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि बहुत बार आपको कुछ चीजें मिल गई होंगी, राइट. वो क्यों आपको मिले, क्योंकि आपको दिख गई इसलिए आपको मिले. कई बार इंसान चार लोग चलते ना, चारों को नहीं दिखता, किसी एक को दिख जाता है, और जब एक एक उठा लेता है तब बाकी तीन को दिखता है. अच्छा तेरे को दिख गया, मैं तो दिखा ही नहीं. ऐसा बचपन में कई बार आपके साथ शायद हुआ हो. तो उस बात को याद कीजिए कि जिसको दिखेगा साहब उसी को मिलेगा. सो विजुअलाइजेशन जैसे वो एक छोटा सा नोट या छोटी सी चीज रोड पे या कहीं पे पड़ी हुई है, मान के चलिए इस रूम में कहीं पड़ी हुई है, लेकिन अगर आपको नहीं दिखेगा तो नहीं मिलेगा. बिल्कुल उसी तरीके से ये पूरा ब्रह्मांड है, राइट. जैसे एक रूम में या रोड पे कोई चीज पड़ी हुई है, 100 रुपए 200 रुपए की बात हो रही है, उसी तरीके से इस ब्रह्मांड में वो सारी चीजों आप जो चाहते वो कहां, ब्रह्मांड के पार है या इसी ब्रह्मांड में. आपके जो सपने वो ब्रह्मांड से पार है या ब्रह्मांड के अंदर है, इसी ब्रह्मांड के अंदर के सपने हैं ना सब आपके, राइट. जो जो कुछ भी आप चाहते हैं, घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, जो कुछ भी आप चाह रहे हैं वो ब्रह्मांड के बाहर नहीं, ब्रह्मांड के अंदर सारी चीजें हैं. तो जिस तरीके से ये छोटी मोटी चीजें हैं, कहीं रोड पे और या किसी कमरे में कुछ चीजें हैं आपको दिख गई तो आपको मिल गई, तो इस ब्रह्मांड के लिए भी वो छोटी सी चीज है जो आपको बड़ा लग रहा है. आपको जो चीज बड़ी लग रही है वो गाड़ी बड़ी, वो ब्रह्मांड के लिए बड़ी छोटी है. आप कितना बड़ा भी बंगला बना लो, इस ब्रह्मांड के लिए वो बंगला कितना होगा मैं तो समझ ही नहीं पाऊंगा, समझा भी नहीं पाऊंगा, शायद इतना कम होगा, राइट. एक बाल के बराबर इस ब्रह्मांड के लिए आपका बंगला कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो एक बाल के बराबर है. तो ये जो इतना विशाल ब्रह्मांड है उसमें ये सारी चीजें जो आप सोच रहे हैं वो सब भी रखी हुई है. जिसको दिखेगा उसको मिलेगा. दैट्स वेरी सिंपल. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट इज फेलियर इज कॉमन. अब जैसा उन्होंने कहा कि दून जो स्कूल है, राइट, दून का वो एंट्रेंस नहीं कर पाए, निकाल नहीं पाए, फेल हो गए. तो फेलियर बड़ा कॉमन है. हर एक इंसान जो अपनी जिंदगी में सफल होगा वो एक चीज से जरूर गुजरेगा अपनी जिंदगी में, वो कोई और चीज नहीं है, दैट इज फेलियर. अगर कोई भी इंसान इस दुनिया में सफल होगा, आगे भी होगा, कभी भी होगा, तो वो एक चीज से गुजरेगा, दैट इज फेलियर. हर इंसान को फेल होना है, दैट्स वेरी कॉमन.
अगर किसी को सफल होना है तो उसे फेलियर मिलेगी। कोई भी सफलता की कहानी आपको बिना असफलता के मिल ही नहीं सकती। सफलता की कोई भी कहानी आपको बिना असफलता के नहीं मिल सकती। ये भी अपना कहानी जब बता रहे हैं मिस्टर मोहम्मद अली साहब, तो कहते हैं कि मैं 6th का वो जो एंट्रेंस है दून का वो नहीं निकाल पाया, तो एंट्रेंस नहीं निकाल पाया। 7th, 8th ऐसे ही गुजरे, 9th में मैं सबसे बॉटम में आ गया, सबसे नीचे आ गया। अब बहुत कितनी फेलियर्स मिले। 10th में कंपार्टमेंट लग गया, फिर NDA नहीं निकल पाया, फिर पार्ट 1 में गए वहाँ भी कंपार्टमेंट, पार्ट 2 में गए वहाँ भी कंपार्टमेंट। अब देख कितने फेलियर्स। फिर आगे जाके जब सिलेक्शन हो भी गया तो ड्रिल मार्च नहीं कर पा रहे थे, सब लोग घर चल गए, इनसे मार्च नहीं हो पा रहा था वो ड्रिल में। वो 6 बार तक फेल होते रह गए, 7वीं बार वो कहते कैसे भी पास करा दिया गया। लेकिन आगे आगे क्या हुआ वो आपको पता है। अब थोड़ा सा समझते थोड़ा सा यहाँ पे कि फेलियर इज एन इनएस्केपेबल पार्ट ऑफ लाइफ एंड अ critically important part of any successful life. का inescapable, right? Inescapable का मतलब जिसे आप escape नहीं कर सकते, होता है ना कई बार आप escape कर जाते हैं, skip कर दिए, हाँ आगे निकल गए, उसको छोड़ दिए, आप इससे बच नहीं सकते। ये जीवन का एक ऐसा पार्ट है जिससे कोई बच ही नहीं सकता, आज तक कोई बचा ही रहे। And critically important, बहुत अधिक important part है किसके लिए, successful life के लिए, तो बहुत अधिक critically important। तो ये एक ऐसी चीज है जिससे कोई नहीं बचा। तो अगर आप फेल हो रहे हैं और लेकिन आपको बड़ा दुख हो रहा है कि मैं फेल क्यों हो रहा हूं, क्यों हो रहे हैं, ये डेफिनेटली आपको खोजना चाहिए। क्या खबियां हो रही हैं आपसे, ये आपको खोजने का हक है। लेकिन फेल से दुखित होने का हक नहीं है, दुखित मत होइए। अगर आप फेल हो रहे हैं तो इट्स वेरी कॉमन, फेलियर इज वेरी कॉमन। अगर आपको फेल मिल रहे, कॉमन है, सबको मिलते हैं, लेकिन आपको चलते रहना होगा, अपने मिस्टेक्स को खोजना होगा, खुद को इंप्रूव करना होगा, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। तो लीडर्स को ये बात पता होती है कि फेलियर से हम बच नहीं सकते, और अगर हमें एक सफल जीवन चाहिए तो फेलियर असफलता को तो हमें कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा, उसे तो हमें लेके चलना होगा, उससे सीखना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये लीडर्स जानते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में, राइट हैंड गैस, राइट हैंड गैस। ऐसा इनके साथ बहुत हुआ, बहुत बार फेल हुए, हाँ कई बार फेल होते रह गए, लेकिन फिर भी फाइनली बहुत कामयाब हुए। क्या है, कभी आप गूगल कर लेंगे या यूट्यूब पे लिखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें उनके बारे में पता चल जाएंगी, दैट हु दिस पर्सनालिटी इज। ओके, अब यहाँ पे कि इज इट ओके टू हैव नो प्लान बी, ये एक बड़ा सवाल हम लोग के भी मन में कई बार आता है कि क्या प्लान बी नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा कि 12 के बाद जब वो NDA का एग्जाम देने गए और NDA में जब वो फेल हो गए तो वो कहते हैं कि मेरे पास तो प्लान बी था ही नहीं, मैंने तो जिंदगी भर यही सोचा था कि मैं NDA करूंगा। NCC में भी थे वो अपने स्कूल में, तो वो कहते हैं कि मैं जिंदगी भर मैंने यही सोचा था कि मैं NDA करूंगा, मैं ऑफिसर बनूंगा, और जब NDA में सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गए, तो कहे कि मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि आज तक तो यही सोच रहा था, सारी विजुअलाइजेशन उसी चीज की थी। तो कहा कि मैं टूट गया कि आखिर मेरे पास प्लान बी था ही नहीं, मेरे पास कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं था। तो आप अब एक सवाल उठता है कि क्या कोई सेकंड ऑप्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब देखिए पक्ष और इसके फेवर में भी और इसके अगेंस्ट में भी दोनों में आपको बातें मिलती है। कई लोग कहते हैं कि होना चाहिए, कई ऐसे लोग आपसे बोलेंगे कि प्लान बी भी आपके पास होना चाहिए, राइट। लेकिन कई आपको जिद्दी लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलते हैं कि प्लान बी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास प्लान बी है, इसका मतलब आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो आपका प्लान ए है वो कभी कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज यू हैव अ प्लान बी। देखिए कुछ लोग का ये कहना है, और आप आपकी क्या विचार है वो भी थोड़ा यहाँ पे बताइएगा कि प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बट उन्होंने कहा मेरे पास प्लान बी नहीं था। मैं आपसे कहूँ प्लान बी नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास ये बहुत सारे प्लान हैं, यानी वो करेगा क्या कि थोड़ी बहुत भी मुश्किलें आएंगी तो वो उसको स्विच करके उधर निकल जाएगा, फिर वहां मुश्किल आएगी उसको स्विच करके आके निकल जाएगा, यानी जिंदगी भर वो स्विच करता रह जाएगा अगर उसके पास बहुत सारे प्लान बी हैं। लेकिन प्लान बी कैसा होना चाहिए ये थोड़ा सा जानते हैं। बड़ा अमेजिंग कोट है यहाँ पे कि प्लान बी होना भी चाहिए तो कैसा होना चाहिए। देखिए जिंदगी में ये चीज आपको जिंदगी भर याद रह जाएगी, आई नेवर हैड अ प्लान बी, पहली लाइन, मेरे पास कभी भी कोई प्लान बी नहीं था। आई फील, मुझे ऐसा लगता है, इफ यू हैव अ प्लान बी, अगर आपके पास प्लान बी है, यू आर गिविंग योरसेल्फ, आप खुद को दे रहे हैं द चांस, यानी मौका, टू नेवर अकॉम्प्लिश प्लान ए, यानी प्लान ए कभी पूरा नहीं होगा, आप खुद को ये मौका दे रहे हैं अगर आपके पास प्लान बी है। पहली बात तो यहाँ पे ये लिखी हुई है। दूसरा, माई प्लान बी वॉज, मेरा प्लान बी था टू अकॉम्प्लिश प्लान ए। क्या बात है, आई एम इन लव विद दिस कोट, मुझे मोहब्बत हो गई इस कोट से, क्या कोट है साहब ये। कहा कि मेरे पास प्लान बी था, वेदास्वामी करके,
कि मेरे पास प्लान बी था, और वो प्लान बी क्या था कि प्लान ए को अकॉम्प्लिश कर रहा है, प्लान ए को पूरा कर रहा है। जो मेरा प्लान ए है उसे पूरा कर रहा ही मेरा प्लान बी था, राइट? कि कैसे मैं प्लान ए को, जो मेरा सपना है, उसे कैसे पूरा करूंगा, दैट वॉज माई प्लान बी। तो कहा कि मेरे पास प्लान बी कभी नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कि प्लान बी होने का मतलब है कि आप अपने प्लान ए को ना अकॉम्प्लिश करने का, यानी पूरा ना करने का खुद को एक मौका दे रहे हैं, और मेरा जो प्लान बी था वो सिर्फ यही था कि प्लान ए को अकॉम्प्लिश करना है। तो कितने लोग ऐसा मानते हैं, देखिए चूंकि आप डायरेक्ट सेलिंग में भी है इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि अगर आपके पास बहुत सारे प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी रहेंगे तो आप इस इंडस्ट्री में कभी कामयाब नहीं होंगे, और सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास आज अगर प्लान बी होता तो शायद मुझे लगता है वो एक्टर ना होके कहीं सिक्योरिटी गार्ड थे, तो आज शायद दो चार गार्ड उनके अंदर काम कर रहे होते या कहीं और किसी और पद पे चले जाते, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर किसी के पास भी प्लान बी हो जाए तो प्लान ए के पूरा ना होने की संपूर्ण संभावना हो जाती है, वहां पे बहुत बड़ी संभावना होती है प्लान ए पूरा नहीं होगा, क्योंकि प्लान बी बना लिया उसके दिमाग ने, तो वो दिमाग बहुत जल्दी स्विच कर लेगा। इसलिए मैं एज अ लीडर, अगर मुझे बोला जाए कि एक लीडर के पास प्लान बी होना चाहिए कि नहीं, अब देखिए अलग अलग सिचुएशन में ये बात अलग हो सकती है, राइट? आप युद्ध करने जा रहे हैं तब आपके पास होना चाहिए कि चलो ऐसे नहीं लड़ेंगे तो ऐसे लड़ेंगे, वो अलग बात। कुछ और करने जा रहे हैं, स्ट्रैटेजी अलग अलग, प्लान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ उद्देश्य की बात हो रही, यहाँ बात हो रही है पर्पस की, यहाँ बात हो रही है सपने की, यहाँ बात हो रही है कि जो सपना आपने बनाया खुद के लिए, जैसा आप खुद को देखना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है अपने आप से कि आपको ये बनना है, आपको ऐसा करना है, ये उद्देश्य की बात हो रही है कि उस उद्देश्य में कोई प्लान भी नहीं होना चाहिए। स्ट्रैटेजी में हो सकता है, प्लानिंग में हो सकता है, रास्ते हो सकते कि कुछ और, लेकिन जो आप बनना चाहते, जो आप करना चाहते, जो आपका सपना है, वहां कोई प्लान भी नहीं होना चाहिए, इसकी बात हो रही है। तो कितने लोग वाकई Yes, उनको भी लगता है कि नहीं सर प्लान भी नहीं होना चाहिए, जब एक बार ठान लिया तो ठान लिया, करना है तो करना है। तो कितने लोग yes, इसमें कहते हैं कि हाँ सर करना है तो करना है, अब ठान लिया तो ठान लिया, जब सपना एक बार देख लिया तो देख लिया, अब पूरा करना है तो करना है, that's all, right? अब yes, अगर आप इससे इत्तफाक रहते हैं, अगर आप भी इसी मूड के इंसान है कि नहीं सर मैं तो कोई प्लान भी नहीं, सर अभी तो जो देखा उसको पहले पूरा करूंगा, बाद में कुछ करूंगा, राइट? पहले तो जो ठाना है उसको पूरा करूंगा, पहले तो जो कसम खाई है जो करने की उसको पूरा करूंगा, यही तो था ना इनका, इनका क्या था? सो मेजर मोहम्मद अली शाह सर का क्या था, कहा कि मेरे पास प्लान भी तो था ही नहीं, खुद को तो जिंदगी भर वर्दी नहीं देखा, विजुअलाइजेशन 5 साल की उम्र से कर रहे, इतना स्ट्रांग कि जाना तो सेना में ही है। देखिए क्या क्या ये अच्छा, ये जो सफल लोग होते हैं ना, जादुई लोग होते हैं, इसलिए उनका माइंडसेट बड़ा खतरनाक होता है, ये बड़े ही अद्भुत लोग होते हैं, इनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है, विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रांग है, इनको नाकामयाब कौन बनाए बाबा? परिस्थितियां कुछ भी होंगी तो इंसान से बड़ी थोड़े होती हैं, इंसान के हौसले से बढ़ के थोड़ी कोई परिस्थिति होगी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, देयर इज नो बी, यस, बहुत सारे लोग वाकई ऐसे हैं। तो यू आर लीडर, तो मैं आपसे कह सकता हूं, तो फिर आप लीडर है। अगर आप भी इससे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, अगर आप अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप लीडर है, देन यू आर अ लीडर, राइट? नेक्स्ट, नेक्स्ट यू सीक है, राइट? ऑलवेज डियर टू बाउंस बैक। कहते हैं कि मैं एनडीए में तो गया लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, रिटर्न में शायद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो एसेंस भी तो पहुंचे ही नहीं। फिर कहा कि मैं ग्रेजुएशन के बाद देखे देखूं, उनका ये मन था कि ठीक है ग्रेजुएशन के बाद करूंगा, ग्रेजुएशन के बाद फिर से एक बार आर्मी में जाने की कोशिश करूंगा। तो वो एक जो है डियर है ना बाउंस बैक करने का, कि अगर एक बार नहीं हुआ तो आप साहस कर पाते कि नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने साहस किया, मैं एग्जाम में नहीं बैठा, मैंने कोई परीक्षा नहीं दी, मैंने परीक्षा देने की साहस की। दैट्स अमेजिंग थिंग। देखिए ये शब्द नहीं है, ये बहुत सारी चीजें कहती हैं, डेयर किया। ये डेयर तो नहीं होता ना बहुत सारे लोगों में, वही लीडर नहीं है जिनके पास डेयर नहीं है, क्या करने का? बाउंस बैक करने का। अगर आप बाउंस बैक नहीं कर सकते, अगर आप फिर से कोशिश नहीं कर सकते, अगर आप एक बार फिर से ट्राई नहीं कर सकते, तो फिर किस बात के लीडर हैं आप? ये साहस आपके पास बहुत जरूरी है, डेयर होना चाहिए साहब। कई लोग दो चार लोगों के पास जाते हैं अपने बिजनेस के बारे में बात करने के लिए, अगर उनको नो मिल जाए तो वहां पे छोड़ देते हैं। अब वो पांचवे के पास जाने का डेयर नहीं कर पाते, दसवें के पास जाने का डेयर नहीं कर पाते। अगर दो चार लोगों से उनको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल जाता है वो टूट जाते हैं साहब, डेयर नहीं कर पाते, साहस नहीं कर पाते। ये साहस बहुत जरूरी है, और यही साहस ईश्वर आपका चेक करता है, भगवान के पास साहस बहुत चेक होता है साहब। अच्छा आप देखिए, या तो बहुत अच्छे लोग बहुत बड़े होते हैं, या तो बहुत बुरे लोग काफ़ी पावरफुल होते हैं। आप देखेंगे कि जो कई बुरे लोग हैं जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम करते हैं, जो मानवता के खिलाफ काम करते हैं, उनके पास भी पावर बहुत होता है साहब। आप देखिए क्रिमिनल्स हैं, टेररिस्ट हैं, पावर तो है ना, पावर क्यों है उनके पास? क्योंकि डेयर बहुत है। आप देखिए जिसके पास डेयर है उसके पास पावर है, अगर डेयर नहीं है तो पावर नहीं है।
अगर आप डेयर नहीं कर सकते तो आप पावरफुल कभी नहीं होंगे, राइट? सो डेयर होना चाहिए किस चीज का? बाउंस बैक करने का। तो आपकी जिंदगी में भी अगर आप फेल हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा, वहां पे डेयर चेक होता है। डेयर कब चेक होता है? तब नहीं जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तब नहीं जब बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, तब नहीं जब आप जो काम कर रहे हो उसमें मजा आ रहा है और सारे रिजल्ट्स मिलते हैं, वहां पे डेयर का चेकिंग नहीं हो रहा, राइट? डेयर कब चेक होगा आपका? आपके डेयर की परीक्षा कब होगी? आपके सांस की परीक्षा कब होती है? जब आपका दिल कहता है कि अब नहीं, जब आपका मन कहता है अब नहीं होगा, जब आपकी बॉडी जवाब दे दे अब तो मुझसे नहीं होगा, अब तो मैं कर नहीं सकता साहब, अब तो ये काम ही नहीं होगा मुझसे, वहां पे डेयर की परीक्षा होती है साहब। वहां पे आपके साहस की, आपके धैर्य की परीक्षा होती है, आपके समर्पण की परीक्षा होती है, आपके त्याग की परीक्षा होती है। और वहां पे अगर आप बाउंस बैक करने के लिए तैयार हैं, तब ईश्वर आपको बड़ा बनाता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि ईश्वर इतनी जल्दी किसी को बड़ा नहीं बनाता, इतनी जल्दी नहीं बनाता साहब। ईश्वर तभी बड़ा बनाता है जब आप उसके लायक हो जाएं। और लायक होने में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है डियर, राइट? कितना डियर है आपको बाउंस बैक करने का, कितना आपके अंदर साहस है। देखिए यहाँ पे लिखा कि एवर ट्राइड, ओके, एवर फेल, नो मैटर, ट्राई अगेन, फेल अगेन, फेल बेटर। क्या बात है, एवर ट्राइड एवर फेल, कोई बात नहीं, ट्राई कर रहे हैं, फेल हो, इट्स ओके, नो मैटर, कोई बात नहीं, ओके, ट्राई अगेन, फिर से ट्राई कीजिए, फेल अगेन, फिर से फेल हो जाइए, फेल बेटर, इस बार थोड़ा और बेहतर तरीके से फेल हो। इसका क्या मतलब है, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ थोड़ा सा। मान के चलिए कोई टीम ए है और टीम बी है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। टीम ए मान के चलिए कि एक चैंपियन है, बहुत अच्छी चैंपियन, राइट? ये चैंपियंस की टीम है, इसमें 11 प्लेयर्स हैं, क्रिकेट की टीम है और ये चैंपियंस है, और ये उतने अच्छे खिलाड़ी इसमें नहीं है, ये इतनी स्ट्रांग टीम नहीं है। मान के चलिए कोई भी ऐसी टीम है जो जिसमें उतने स्ट्रांग, हाँ, उतने अद्भुत खिलाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बैटल करती है, लड़ती है। तो मान के चलिए बी ने इस बार ए से मैच खेला और इस बार बी हार गई 100 रनों से। कितने रन से हार गई? 100 रन से बी हार गई। ये बी जो टीम थी वो ए से एक मैच खेलती है, मैच हार जाती है, 100 रन से हार जाती है। लेकिन अगली बार जब आती है तो वो पता चलता है कि 1 रन से मैच हारती है। अगली बार जब मैच होता है इन दोनों के बीच में, तो बी जो टीम है वो कितने रन से हार रही है? 1 रन से। ठीक है, अच्छा हारी इस बार, फेल बेटर, दैट इज फेलिंग बेटर, राइट? तो इसका क्या मतलब है कि आप जब नेक्स्ट टाइम आते हैं, ओके, फेल भी अगर मैं होऊंगा तो पहले जैसा नहीं होऊंगा साहब, इस बार थोड़ा सा तो हाँ मुश्किल होगी, इस बार तो मुझे हराने में थोड़ी सी मुश्किल होगी और सफलता को भी थोड़ा सा मुश्किल होगा मुझे चुनने में। पहले तो 100 रन से हारा था, इस बार 1 रन से हारा हूं, और अगर अगली बार भी आ गया साहब तो इस बार तो मामला क्लियर करके जा सकता हूं, शायद जीत के चला जाऊं। क्यों? क्योंकि 100 से 1 पे आया हूं, अब 1 से तो जीतने पे जाने में थोड़ी तो आसानी होगी, अब तो नजदीक पहुंच चुका हूं। तो यही है फेलिंग बेटर, राइट? दैट इज फेलिंग बेटर, राइट? कि ट्राई अगेन, फेल अगेन, फेल बेटर। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि आपको फेल होने से डरने का नहीं है, ट्राई करने से डरने का नहीं है। ट्राई तो आपको बार बार करना होगा साहब, आप तो एक ऐसे इंडस्ट्री में है जहां पे ट्राई करते ही रहना पड़ेगा, हमेशा ट्राई करना होगा, जिंदगी भर ट्राई करना पड़ता है। आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, ट्राई तो जिंदगी भर करना पड़ता है। और लीडर्स तो इसमें तो बहुत माहिर होते हैं ना, लीडर्स कोशिश कहां करना छोड़ते, राइट? तो कोशिश तो छोड़ते नहीं, वो तो कोशिश करते ही रहते हैं चाहे वो कितनी बार भी फेल हो जाए, लेकिन वही है उनके साथ फेलिंग बेटर, राइट? वो अगली बार जब आएंगे तो थोड़े से और मजबूत बन के आएंगे, अपनी कमियों को दूर करके आएंगे, एंड दैट इज देयर क्वालिटी, यही उनकी क्वालिटी होती है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? राइट डाउन गैस। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? राइट डाउन गैस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किसी ने लिखा है कि काफी अच्छा आप समझाते हैं सर, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का कि आपको ये बातें भी समझ में आ रही है। मुझे लगता है अधिकतर लोग को ये बात समझ में आई। नेक्स्ट, अब जो आखिरी चीज है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने सुना कि वो ऑफिसर तो हो गए, लेकिन ट्रेनिंग में कहां पे फेल हो रहे थे? ड्रिल्स में। वही तो सपना था ना कि 26 जनवरी को मार्च करना, उस मार्च को लीड करना है, राष्ट्रपति को सलामी देनी है, तो उसके लिए तो मार्च करना पड़ेगा ना, ड्रिल। और उसी ड्रिल में फेल हो रहे थे, एक बार फेल नहीं हुए थे, 6 बार फेल हो गए थे, कहते सातवीं बार पास करवा दिया शायद, और सारे लोग घर चल गए, लेकिन वो घर नहीं गए, वो फिर भी मेहनत करते रहे। और फिर कहते हैं कि 26 जनवरी से पहले 5 जनवरी को स्ट्रेस फ्रैक्चर, वो कहते हैं कि पाँव में फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर, बहुत अधिक जोर जोर से पटकने के चलते वो पाँव में काफ़ी अधिक पेन था, लेकिन आर्मी डॉक्टर के पास नहीं गए,
एक सिविलियन डॉक्टर के पास गए, क्योंकि अगर आर्मी के डॉक्टर के पास जाते तो वो कहते हैं कि वो बैंडेज करके मुझे जाने नहीं देते, वो करने ही नहीं देते, पर वो मुझे परेड में जाने नहीं देते, मार्च तो बहुत बैठा देते मुझे। तो किस डॉक्टर के पास गए? सिविलियन डॉक्टर के पास। उसने भी कहा कि नहीं, स्वेलिंग हो चुकी है, हाँ आप ना ही करें तो बढ़िया है, लेकिन पेन रिलीफ वो दवाइयाँ भी खा के और फिर भी उस दर्द में भी हार नहीं मानी। देखिए कितना प्यार होता है सपनों से, क्या नशा क्या दीवानगी। इसी में आखिरी चीज जो सीखने की है कि जिद के आगे जीत है। अभी तक आपने सुना होगा डर के आगे जीत है, मैं कह रहा हूँ जिद के आगे जीत है। जो जिद्दी हो गया साहब वो जीत गया। तो अगर आपके अंदर जिद नहीं है तो आप नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर जिद है तो आप जरूर जीतेंगे। तो जिद बहुत बड़ी चीज है। उनके पास कितना जिद था कि 5 जनवरी को वो कहते हैं कि वो फ्रैक्चर, जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है, वो चीजें थी, वो दवा लेके फिर भी परेड करना, उसमें भी आप मार्च करने जा रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं आप, इट्स नॉट ईजी। कितना आसान था वहां क्विट कर देना, कितना आसान था छोड़ देना, कितना अच्छा कारण था छोड़ देने का, राइट? लेकिन देखिए चीजें क्या होती है ना साहब, कि ये आपका दर्द है, ओके, और ये आपका हौसला है। बहुत गौर से समझिए। तो अगर ये दर्द है और अगर ये हौसला है साहब, तो ये जो हौसला है इस दर्द को कहीं अपने अंदर बंद कर लेगा। बहुत गौर से समझिए। और हौसला जो है वो दर्द पे हावी होगा। लेकिन अगर इसी का उल्टा हो जाए कि ये आपका दर्द हो और ये आपका हौसला हो, तो फिर ये जो डर है और ये जो दर्द है वो आपके हौसले को निगल जाएगा, हौसले को खा जाएगा साहब। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका हौसला कितना बड़ा है, आपका जिद कितना बड़ा है। और अगर आपकी जिद बड़ी नहीं है तो आपकी जीत भी बड़ी नहीं होगी, ये भी सुनिश्चित है। जिसकी जितनी जिद बड़ी है उसकी उतनी जीत बड़ी है। अगर आपकी जिद बड़ी नहीं है तो आपकी जीत भी बड़ी नहीं होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जिद कितनी बड़ी है। देखिए उनका जिद बहुत बड़ा था। और ये जितने भी आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं या जो भी सेना वाले लोग होते हैं, जो भी सैनिक होते हैं, उनकी जिद बहुत बड़ी होती है। वो अपने पर्पस के लिए बहुत जिद्दी होते हैं। जान चली जाए लेकिन उद्देश्य नहीं जाने देंगे, जिंदगी चली जाए लेकिन उद्देश्य पे कायम रहेंगे। वो उद्देश्य कभी भी वो लूज नहीं करते। दे नेवर लूज देयर पर्पस, राइट? दे आर रेडी टू लूज देयर लाइफ बट नॉट द पर्पस। तो ये बहुत बड़ी चीज है। जहां जिंदगी छोटी होती है और जिंदगी का पर्पस बड़ा होता है, ये एक लीडर की खासियत है। और एक बात यहाँ पे लिखी हुई है कि खुद से जीतने की जिद है, हाँ मुझे खुद को ही हराना है। बड़ी अच्छी लाइनी है कि खुद से जीतने की जिद है, खुद से, हाँ मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। अमेजिंग, क्योंकि खुद से जीतने की जिद है और मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। तो हर इंसान के अंदर एक जमाना है और हमें सच में किसी और को नहीं हराना, किसी और से नहीं जीतना, हमें खुद को ही हराना है, हमें खुद को ही जीतते रहना है। और इस भीड़ के लिए हम नहीं आए, लीडर्स भीड़ के लिए नहीं आते, वो भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आते, वो भीड़ को एक दिशा देने के लिए आते हैं, वो भीड़ को एक डायरेक्शन देने के लिए आते हैं। वो लीडर वो नहीं होते जो अच्छे नसीब वाले होते हैं, लीडर वो होते हैं जो अच्छा नसीब बनाना जानते हैं साहब। तो उन्हें हम लीडर्स नहीं कहते जो अच्छे नसीब के साथ पैदा होते हैं, हम उन्हें लीडर कहते हैं जो लोगों का नसीब बदलना जानते हैं। तो अगर आप भी एक लीडर हैं, अपने आप को लीडर मानते हैं, विजुलाइज करते हैं, सच में आपको यकीन है, आप जिद्दी हैं, आपको जो चीज़ें चाहिए वो क्लियर कट दिखती है, आप गिव अप करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं, आपका डर छोटा है, आपका हौसला बड़ा है, आपके दर्द छोटे हैं, आपका हौसला बड़ा है, हाँ आपके जो संघर्ष हैं वो छोटे, लेकिन आपकी उम्मीद बहुत बड़ी है। अगर ये चीज़ें आपके अंदर भी है, आप उसे फील करते हैं, तो आप एक लीडर हैं। फिर आप हार नहीं पाएंगे, फिर आपको दुनिया में कोई हरा नहीं पाएगा। अगर ये चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं तब दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपका डर बहुत बड़ा है, हाँ, और आपका जो हौसला वो छोटा है, आपको लगता है कि आपके पास बड़े स्ट्रगल्स हैं और सपने वो छोटे हैं, संघर्ष आपको बड़ा लग रहा है। देखिए पता है कि सपने पता कौन होते हैं, जिसके सामने दुनिया के सारे संघर्ष छोटे लगे उसी को सपना कहते हैं। बहुत गौर से सुन लीजिए, जब दुनिया के सारे संघर्ष जिसके सामने छोटे लगे, समझिएगा वो सपना है साहब। एक सपना वही होता है जिसके सामने दुनिया का हर संघर्ष, जीवन का हर संघर्ष छोटा लगे। अब देखिए इनका सपना था ना कि वर्दी पहनना है, मार्च करना है, राइट? अब देखिए ये सपना पूरा भी हुआ। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये सपना पूरा हुआ सर, ऐसा नहीं कि ये सपना पूरा नहीं हुआ, राइट? जिद के आगे जो जीत है,
तो ये हुआ भी, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये थोड़ा सा देख लीजिए, राइट, मज़ा आएगा उस चीज़ को। साउंड तो अच्छा नहीं होगा, बट डोंट वरी अबाउट द साउंड, हाँ साउंड के बारे में वरीड मत होइएगा, क्योंकि साउंड से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो चीज़ों को देखना है। तो आइए एक चीज़ देखिए, ये जो इंडियन आर्मी को जो इन्होंने हाँ वो परेड जो ये रहे हमारे मेजर साहब, देख रहे हैं, लीड कर ही गया ना, मार्च कर ही लिया ना, वो जो 5 साल की उम्र से जो दिख रहा था वो मिल ही गया ना, देखिए देख रहे हैं आप, हाँ इंडियन आर्मी वेटरन मेजर मोहम्मद अली शाह रिपब्लिक डी फरीड लीड कर रहे हैं, कितने लोगों ने देखा, राइट ऑन कैस। तो ये होता है सर एक सपना देखना और एक सपने को पूरा करना, और इसमें बहुत बड़ी सीख इनकी पूरी ज़िंदगी से हमें मिल रही है। आप में से कितने लोगों ने हैदर मूवी देखी है, कितने लोगों ने हैदर मूवी देखी है, हैदर एक मूवी आई थी शाहिद कपूर की, बड़ी मशहूर मूवी हुई थी, काफ़ी सारे अवार्ड्स उस मूवी ने लिए थे। आप में से किसी ने हैदर मूवी देखी कि राइट डाउन यस, राइट डाउन यस, हैदर मूवी देखी थी, हैदर एक मूवी आई थी कश्मीर और वो उधर की चीज़ों को लेके और एक एग्रेशन अंदर में जो बदला लेने की जो एक भावना है उसके ऊपर एक मूवी आई थी, हैदर एक मूवी आई थी। अच्छा कुछ लोगों ने नहीं देखा, या कुछ लोगों ने देखा भी है, कुछ लोग ऐसे जो नहीं देखे कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं देखी है बट जिन लोगों ने देखा वो जानते हैं हैदर काफ़ी काफ़ी बहुत सारे अवार्ड्स उस मूवी ने जीते, बड़ी अच्छी मूवी थी, दैट वॉज एन अमेजिंग मूवी। उस मूवी में ये भी थे, अब देखिए जिन्होंने देखा है उनको याद आएगा, राइट, वो याद कर पाएंगे, देखिए ज़रा ये सीन, कम ऑन, आपको मेजर साहब इसमें मिलेंगे, ही इज एन अमेजिंग एक्टर ऑल्सो, ये एक अमेजिंग एक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें आई कैनॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। अगर आप पहचान जाएंगे तो जरूर बताइएगा कि आप पहचान पाए, यस लिखिएगा अगर आप पहचान जाएं तो। देखा आपने, आपको पता चला, इज हियर राइट। सो जिन लोगों ने भी हैदर देखी होगी वो उन्हें याद आया होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखी कोई भी का तो हाईएस्ट नंबर, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है।
okay? So you can understand TEDx talk, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, तो highest number of TEDx talk. तो आज इनकी पूरी जिंदगी से हमने ये पूरी कहानी, जो पूरी जिंदगी है वहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा. मैं आपसे डेफिनेटली ये कहूँगा कि आज इस वीडियो को, इस क्लास को जरूर और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और जितने लोग भी नए हैं, जितने लोग भी ऐसे हैं जो हमारे साथ आगे और भी जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के आगे बहुत कुछ सीखते रहना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज या बाकी चीज़ों के साथ जुड़ना चाहते हैं, मेंटरशिप के साथ, तो उनके पास ये नंबर है. इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के साथ. हमारी मेंटरशिप, हमारी कोर्सेज के लिए आपको ये नंबर, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा, तो आपको हम मिल जाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में जुड़े रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए. और आज हम लोग लीडरशिप की लेसन को सीख रहे थे मेसर मोहम्मद अली शाह जिसकी जिंदगी से, एन अमेजिंग पर्सन, बहुत ही अमेजिंग इंसान. मैं आपसे डेफिनेटली कहूँगा कि आप आज आप YouTube पे इस नाम को लिख के इनकी बहुत सारी वीडियोस होंगी, और जो उस टॉक पे हिंदी में भी इनका पूरा एक टॉक है, पूरी इनकी कहानी है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और आपको बड़ा मज़ा आएगा. थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू यहाँ पे बरकरार रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए. और लीडरशिप मैराथन का जो टाइम होगा वो थोड़ा सा बदलेगा, तो अगर मुझे लगता है वो 9:30 से शायद पहले आ जाए, या फिर हो सकता है हम लोग उसको 9:30 ही रहने दें, उसमें हम लोग विचार करेंगे. बाकी आज का आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का. थैंक्स लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग ओवर हियर. एंड ओके यस, मैं देख रहा हूँ थोड़े से कमेंट्स आपके. आज के लेसन ने मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिला सर, बहुत बहुत शुक्रिया. विपिन जी ने लिखा है कि मुझे काफ़ी हौसला मिला यहाँ से, थैंक्स लॉट. मैं कुछ लोग के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, जो भी लोग हैं थैंक्स. कुछ लोगों ने लिखा है बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी जी, सुपर्ब सर, थैंक यू साक्षी जी. संजय पासवान जी, थैंक यू सो मच. शुभेंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. कमलेश जी, थैंक्स लॉर. ओके अर्जुन ऑफिशियल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. कपिल देव जी, थैंक यू. हमारा जीतना अब सुनिश्चित है, बिल्कुल बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है और लीडरशिप मैराथन चलती रहेगी. दुनिया की सबसे बड़ी लाइव सेशन की श्रृंखला हमें इसको बनाना है, और ये दुनिया की पहली लीडरशिप मैराथन है, तो इसमें आप बने रहिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, थैंक्स लॉर. सोमा मैम भी यहाँ पे आई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मिशन बैंगलोर, थैंक्स लॉट. अजीत सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया. पंडित गोविंद कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट. खालो जी कोई है, सरफेश जी हैं, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया. महाकुंभ तो चल रहा है, कुछ लोग पूछ रहे हैं महाकुंभ, मैं कहूंगा कि नंबर आप यहां पे दे दीजिए अंकित. महाकुंभ चल रहा है आज 9:30 बजे, महाकुंभ का फिर क्लास है, तो जितने लोग भी हमारे महाकुंभ में नहीं जुड़ पाए हैं अभी भी आपके पास मौका, इसलिए मैंने कहा कि ये नंबर आपके पास है. सारी चीज महाकुंभ से लेके सारे कुंभ आपको इसी नंबर पे पता चल जाएंगे. आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लें तो हमारे साथ जुड़ने के सारे द्वार जो है, जितने भी हमारे पास आपके लिए ऑप्शन है, वो सारे ऑप्शन आपको यहां से पता चल जाएंगे. जो भी नए लोग हैं उनको मैं बता दूं, जो पुराने लोग हैं वो भी जान जाएं. तो आज 9:30 बजे मैं आपसे फिर से मिलूंगा, या नहीं मिलूंगा कहीं और मिलूंगा. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का. ऐसे ही काम करते रहिए, अपना हौसला बुलंद रखिए, हार मत मानिए, अपनी जिद को बड़ा रखिए. अगर आपकी जिद बड़ी रहेगी तो आपकी जीत सुनिश्चित रहेगी. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का. जय हिंद, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू.